ऑफ जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, कह रहे किसी को नहीं छोड़ेंगे, पूरी कंट्री में एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स भी और सर्विसेज, एज अगेंस्ट अर्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर और सेल और प्रोविजन ऑफ सर्विस। कह रहे सर्विस का अलग होता था, मैन्युफैक्चरिंग भी होता था, कह रहे नहीं, सप्लाई सप्लाई मतलब सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कोई टैक्स नहीं, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जब एक्चुअली सामान कंज्यूम होगा तब फाइनल टैक्स कलेक्ट होगा, तो तब तक क्रेडिट पास ऑन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो सप्लाई इवेंचुअली पे बेसिकली सारा का सारा कंज्यूमर कौन बेयर करेगा, सारा का सारा बेयर जीएसटी, सारा का सारा बर्डन 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 कौन बेयर करेगा, कंज्यूमर। आगे जी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स एज अगेंस्ट अर्लियर प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्स। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही थी, अभी क्या कंजम्पशन कहाँ हो रही है। जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। कह रहा है इम्पोर्ट पे भी, इंटर स्टेट पे कौन सा जीएसटी लग रहा है, आईजीएसटी, तो इम्पोर्ट्स पे भी कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। जीएसटी रेट्स कह रहे अलग अलग है, किसी चीज पे आपके 5% है, किसी पे 12% है, 18% है, 28% है। कह रहे चार स्लैब है, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग टैक्सेस हैं। एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू एसईजीज आर जीरो रेटेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और कुछ चीजें जो हम प्रमोट करना चाहते हैं वहाँ जीरो टैक्सेस हैं। कह रहे कैसे देंगे हम पैसे अगर देना चाहें तो, देर आर वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू द टैक्स पेबल, जितना है वो कैसे आप इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे मर्जी देना चाहें दे सकते हैं। थैंक्स। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल बॉडी में कौन कौन है। जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी काउंसिल विच विल बी जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। कौन कौन होगा उसमें, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन बन सकता है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस मिनिस्टर। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, निर्मला सीता रमन। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, इट विल बी चोजन अमंग्स द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मेंबर्स कौन कौन है उसके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट टैक्सेशन ऑफ ईच, हर स्टेट से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो सारे मेंबर्स। जीएसटी काउंसिल चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन विल बी सिलेक्टेड अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मेंबर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं सब होंगे। कोरम, 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोर। कि भैया कल को कोई डिसीजन लेनी होगी, मीटिंग होगी, तो अप्रूवल तभी हो सकता है अगर कोरम मेंटेन्ड है, अदरवाइज कोई आप नई पॉलिसी नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। कोरम क्या है, 50% ऑफ द मेंबर्स। मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसीजन, एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 75% ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, नेमली वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स एंड वोट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल। तो वेट वेट मतलब इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, हर स्टेट का डिफरेंट जीएसटी काउंसिल होता है, हर स्टेट का अपना अपना जीएसटी काउंसिल होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट 2/3 वेटेज दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 इंपॉर्टेंस दी जाएगी। वेट्स असाइन किया हुआ है तो वेटेड वेट्स के हिसाब से 75% ऑफ द वेटेड वोट्स। ओके जस्ट रीड। अब क्वेश्चन तो देखो कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो जो जो बातें बताई हैं वो पता होनी चाहिए, सब कुछ याद नहीं करनी, समझनी है। बट काउंसिल बॉडी में कौन कौन है क्या है याद करना पड़ेगा जितना हो सके।